हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जितने भी ह्यूमन हैं इस पूरे धरती पे, ये कभी न कभी वो फेस करते हैं। मैं आपसे आपके एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया है एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो खासकर एग्जाम जितना पास आता है, हमारे दिमाग पे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंशन। और उस टेंशन में अक्सर देखा गया है कि हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि जो मैंने कैलकुलेशन एग्जाम में किया, कहीं गलत हो गया तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो हमने पढ़ा, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, कहीं हटके कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करूंगा। कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, जो हमें समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। इतनी मेहनत की, हमने पूरी बुक खत्म कर ली, बट ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे। कहीं जो हमने पढ़ा है अगर एग्जाम में भूल गया तो फिर क्या होगा, फिर तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन नेचर है। ये जब जब एग्जाम पास आता है, इंटरव्यू पास आता है, ऐसी थिंकिंग्स हमारे दिमाग में आती हैं। और ये थिंकिंग्स जो आना, एक तरीके से हमारे बॉडी में एक डर पैदा करती है, एक स्ट्रेस पैदा करती है। मैं आपको इसके बारे में, इसके दो पहलू के बारे में बताना चाहता हूं। ये थिंकिंग जो आपके एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में आती है, ये कुछ हद तक आपके लिए ठीक है और ये ह्यूमन नेचर है। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका दिमाग में स्ट्रेस के टाइम पे ऐसी बातें नहीं आती, एग्जाम के टाइम पे ऐसी बातें नहीं आती। सबके दिमाग में आती है, ये ह्यूमन नेचर है डर होना। और मैं बताऊं, ये डर होना आपके लिए अच्छा है, आप इसको एंजॉय करो। बॉडी में गुदगुदी होती है, देखते हो हाथ पैर कांपते, कितना मजा आता है। जब एग्जाम के टाइम पे पेपर वाला पेपर देने आता है तो लगता है कि धक 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 कैसी कैसी आवाजें आती है बॉडी के अंदर से। अच्छा है, फील करो इसको, मजा लो। इसलिए लो, क्योंकि अगर ये चीजें, ये थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है, यानी कि आपने मेहनत किया है या मेहनत आप कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा पढ़ाई ही नहीं किया, जिसको रिजल्ट से मतलब ही नहीं है, जिसको लाइफ से मतलब ही नहीं है, उसके लिए तो ऐसी थिंकिंग का आना ना आना बराबर है जी। उसके दिमाग में आएगा कि वो तो ऐसे ही खत्म बच्चा है। लेकिन आपके दिमाग में ये थिंकिंग आने का मतलब आप लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो, और होना चाहिए। ये थिंकिंग आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस थिंकिंग को अपने दिमाग में एक लिमिट तक रखना ही हमारे लिए ठीक होता है। लिमिट, मेरे बच्चे, अगर ये आपके दिमाग में लिमिटेड है तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपसे बार बार रिवीजन कराएगा, बार बार कैलकुलेटर को ठीक से चेक करा के आंसर कराएगा, जो आपके रिजल्ट में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ये अच्छा है, लिमिटेड तक, एक लिमिट तक। जब ये लिमिट को क्रॉस कर जाता है, मतलब ये थिंकिंग आपके दिमाग में अगर बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा, वो काम खराब हो जाता है मेरे बच्चे। ये थिंकिंग जब बहुत ज्यादा आता है तो पता क्या होगा, स्ट्रेस बनता है, फिर सर दर्द करना शुरू करता है। और जब सर दर्द करेगा ना, कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है कि पता नहीं इस माइंड में क्या क्या चुभना शुरू हो जाता है। सबने फील किया होगा, मुझे विश्वास है आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा। ये गलत है, ये एफिशिएंसी आपकी बढ़ा नहीं रहा, ये रिड्यूस कर रहा है। सर, ये तो आप कहते हो कि ठीक है, ये कहते हो खराब है, मैं सर हमेशा इसमें चला जाता हूं, इसको कैसे कंट्रोल करूं सर, ताकि मैं लिमिटेड ही स्ट्रेस अपने पास रखूं जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपसे शेयर करता हूं, आप इसको अप्लाई करना लाइफ में। आप बिलीव करो, एग्जाम ही नहीं, लाइफ के किसी भी टाइम पे, किसी भी घड़ी में जब आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, और आएंगी जरूर सब पे, तब यही लाइफ कहा जाता है, मुसीबत और अच्छाई हमेशा साथ चलेंगी। जब मुसीबतें आएंगी तो आप इसको अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से माइंड पे आपका कंट्रोल रहेगा और कभी भी ऐसा टेंशन क्रिएट नहीं होगा। सुनो ध्यान से, दो मिनट के बाद एक मैं आपको तरीका देता हूं मेरे बच्चे, तरीका जब मैंने जो जिसको अप्लाई किया अपने टाइम पे। पता है क्या होता है, ये जो आपका माइंड है ना, ये माइंड, मुझे नहीं आता ठीक से बनाना डायग्राम, बट मान लो ये माइंड है। इस माइंड के, हर एक इंसान के माइंड के दो टुकड़े होते हैं। एक आपका बड़ा माइंड, ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को रखता है, और ये जो छोटा सा आप यहां देख रहे हो ना बच्चे, आपका माइंड का पार्ट, ये नेगेटिव थिंकिंग वाला माइंड होता है। ये हमेशा सोया रहेगा, यही माइंड आपका एक्टिवली काम करता है,
जो आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचता है, सिर्फ अच्छा बोलता है, आप पास होगे, आप अच्छे मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम होगा, ये हमेशा ये प्लानिंग करता है, ये अच्छी बातें करता है, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आप पास होंगे, आप अच्छी जिंदगी व्यक्त करेंगे, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, दोस्त सब अच्छे हैं, दुनिया पूरी अच्छी है, ये इसके बारे में सोचना काम होता है। ये निगेटिव माइंड जो होता है बच्चे, हमेशा सोया रहता है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, जब आपके ऊपर में कोई मुसीबत आती है या किसी तरीके का स्ट्रेस, मतलब जिससे थोड़ा वो डर लगता है, अगर वो आना शुरू होगा तो पता क्या होगा, अब ये जो माइंड है ना बच्चे, निगेटिव माइंड, ये क्या होता है, ये अब फुलना, मतलब फलना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज करेगा जिस क्वेश्चन का ये माइंड जवाब देता है, और जब ये आपस में लेना देना, मतलब ये क्वेश्चन करेगा, आप जवाब दोगे, क्वेश्चन जवाब एक एक्सट्रीम लेवल से आगे बढ़ जाता है, तो टेंशन क्रिएट होता है। मैं दिखाता हूं कैसे, जरा देखो, एक आप छोड़ो पढ़ाई की बात है, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो मतलब हर एक के जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा, मेरी बात सुनो। मान लो कभी आप घर में आप बैठे हुए हो, घर में बैठे हो, आप आराम से टीवी देख रहे हो, सब कुछ ठीक है, आपके पापा का मान लो आने का टाइम 6 बजे ऑफिस से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पापा मतलब किसी रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं क्लोज आदमी जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, मैं उसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, मेरे बच्चे और कुछ दूसरा मोटिव नहीं है। तो पापा के 6 बजे का आने का टाइम है, मान लो पापा किसी कारणवश किसी दिन 6:15 तक घर नहीं पहुंचे, तो आप जो घर में बैठे हो ना, आप सोचते हो यार ऐसा क्या हो गया, पापा आज लेट क्यों हो गए। फिर आपका माइंड बोलता है कि हो सकता है कि ट्रैफिक हो गया होगा, लेट हो गए होंगे, तो पता क्या होगा, ये फिर माइंड बोलेगा, ये हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे या कुछ, ये आपका पॉजिटिव माइंड ने बोला। तो फिर निगेटिव बोलता है कि अगर मान लो ट्रैफिक नहीं होगा तो और कुछ रीजन तो नहीं हो सकता, फिर आप बोलते हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ट्रैफिक फंस गए होंगे, फिर ये बोलता है कुछ हो गया होगा तो ये बोलता कि क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, लेट हो जाएंगे, ये बोलता कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, समझ मेरी बात, ये बोलता कि क्योंकि ये निगेटिव है, ये गलत बात सोचेगा, इसको सही बात सोचने का समय नहीं मेरे बच्चे, ये ताकत ही नहीं है, ये कहता कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, फिर आप बोलते ना ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं रुक गए होंगे, कोई दोस्त मिल गया होगा, कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा तो, ये कहता है। फिर आप बोलते ना ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कहता अगर हो गया होगा तो, फिर इस बात को आप प्रूफ करने के लिए कि ना ऐसा नहीं हुआ होगा, अब तो टेलीफोन मोबाइल का जमाना आ गया, मान लो आप मोबाइल से कॉल करते हो पापा को कि पापा कहाँ हूँ आप, अगर मान लो कि पापा ने फोन रिसीव नहीं किया किसी भी रीजन से, तो अब ये माइंड फिर से हावी होता है कि लो फोन रिसीव नहीं किया, यानी कि पक्का है कुछ ना कुछ हुआ है, फिर बोलते ना 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 कुछ नहीं हुआ, कहीं रुक गए होंगे, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ना कुछ हो गया होगा तो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब मेरे बच्चे जब ये ख्याल अब आता है ना, तो अब आपका दिमाग जो है ना दोनों आपस में लड़ना शुरू हो चुका है, ये कहता है कि ना ऐसा नहीं हुआ, ये कहता है ऐसा हो गया, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे झगड़ा बढ़ रहा है, ये माइंड जो है ना इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दे रहा है, निगेटिव माइंड, निगेटिव बातें, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी से मारपीट तो नहीं हो गया, कहीं पापा गिर तो नहीं गए, कहीं कुछ चोट तो नहीं लग गई, यही बातें इसका काम है मेरे बच्चे। और ये झगड़े जितना ज्यादा लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाता है, एक एक्सट्रीम पे आने के बाद अब आपका सर दर्द करना शुरू हो जाएगा, तब तक जब तक ये एक अच्छी न्यूज आपके पास ना आ जाए इसको हावी होने के लिए। इसका मतलब कि ये जो माइंड हमारे दिमाग के अंदर है ना, ये हमेशा निगेटिव लेके आता है, और जितना ज्यादा निगेटिव हमारे दिमाग में आएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका टेंशन क्रिएट होगा। यही काम एग्जाम के टाइम पे होता है। हमने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा मेहनत भी किया है, लेकिन जब एग्जाम प्रेशर दिमाग पे आएगा तो ये कहेगा कहीं क्वेश्चन गलत आ गया तो, मतलब जो तुमने पढ़ा उसे हटके आ गया तो, आप बोल तो ऐसा नहीं हो सकता, कैसे आ जाएगा जी, हमने जो पढ़ा सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये कहेगा अगर आ गया तो। फिर आप कहते हो ना ऐसा नहीं हो सकता, बोला कि अगर आ गया तो, कल क्वेश्चन गलत हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप बोलते हो ना ऐसा नहीं हो सकता। फिर अब आप अपने दिमाग को विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैंने सब कुछ ठीक से स्टडी किया हुआ है, आप कहते हो इसको कि एक सवाल पूछो, कोई भी सवाल मैं जवाब दे दूंगा,
ये पता है क्या करेगा, ये ऐसे सवाल को उस टाइम पे आपके दिमाग में रेज करेगा जो रेयरली एक अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही गंदा क्वेश्चन, बहुत ही उल्टी सीधी बातें, ऐसा कोई क्वेश्चन रेज कर देगा और उस टाइम पे अगर आपका माइंड उस समय रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि थक चुका माइंड सोचते सोचते, अगर आप जानते भी होगे उसका आंसर उस टाइम पे नहीं दे पाओगे, तो ये क्या होगा मेरे बच्चे, अब हावी होना शुरू होगा, और हावी होना शुरू होते होते फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली ये जो आपका माइंड है एग्जाम के टाइम पे इस पे हावी हो जाता है और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ते बढ़ते ये लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर आपका दिमाग बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत टेंशन में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मेहनत मतलब जितना आपने किया उतना रिजल्ट आप नहीं दे पाते हो। सर ये होता है सर, लेकिन सर हम इसको कंट्रोल कैसे करें, सर ये कंट्रोल कैसे होगा, इसका बहुत सिंपल तरीका मेरे बच्चे, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूं रियल लाइफ में, ये मैंने भी कभी, मैं आपको बताऊं जब मेरा सीए का पहला एग्जाम था मैं इतना स्ट्रेस में था कि मैं क्या बताऊं, इतना डरा हुआ था और ये सब थिंकिंग आई थी, लेकिन मैंने माइंड पे कंट्रोल किया, कैसे मैं आपको बताता हूं आप ही के लाइफ को लेकर। कभी आप रोड पर बाहर निकलो और किसी अनजान आदमी से थोड़ा सा टकरा जाओ, ऐसे ही नॉर्मली टकरा गया आपका कंधा बॉडी कुछ भी, आप बोलो क्या करते हो यार ठीक से चला करो, आपने कहा वो भी आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आप क्या करो थोड़ा चिल्लाओ वो भी चिल्लाएगा, आप थोड़ा और चिल्लाओ वो और चिल्लाएगा, आप उसको एक थप्पड़ मारो वो पांच थप्पड़ मारेगा, आप उसको क्या करो एक पत्थर उठा के मारो वो पूरा का पूरा पत्थर आप पे फेंक सकता है, आप एक डंडा उठाओ और उसको मारने की कोशिश करो वो डंडा क्या पता नहीं क्या क्या उठाएगा और आपकी जान ले लेगा, ये 100% श्योर है। ये झगड़ा जो बहुत छोटी जगह पे शुरू हुआ था मेरे बच्चे, आगे चलते चलते इतना दूर पहुंच चुका है कि दोनों में से एक आदमी मरेगा तभी ये शांत होगा। देख रहे हो आप यहां पे क्या हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, यहां भी हमारा माइंड क्या कर रहा है आपस में लड़ रहा है, और ये लड़ते लड़ते इस स्टेज पे हम आ चुके हैं जहां पे अब मतलब कि एक आदमी को मरना जरूरी है, और हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी एफिशिएंसी का डाउन होना 100% श्योर है क्योंकि लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं, झगड़ा क्रॉस लिमिट के आगे जा चुका है। सर उपाय है मेरे बच्चे, उपाय बहुत सिंपल उपाय है, मैं आपको बताता हूं, अगर वो झगड़ा जहां पर शुरुआत हुआ था ना, जब आप उससे टकराए थे और उसने एक शब्द आपको बोला था, आप बोलते सॉरी यार कोई बात नहीं माफ कर दो, अगर इतनी बातें हो गई रहती तो वो झगड़ा उस लिमिट तक ना बढ़ता जहां पे जाके एक आदमी के मरने की नौबत आ गई। मेरे बच्चे आपको भी अपने इस माइंड में वही काम करना है, इसका काम है जब भी स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा ये सवाल पूछना शुरू करेगा उल्टे सीधे सवाल, उसको पूछने दो, हम उसका जवाब ही नहीं देंगे, वो कहता फेल हो गए तो हो जाने दो, अरे माइंड को कूल रखो ना, उसके सोचने या ना सोचने से थोड़े कुछ हो जाएगा, उसका काम है, वो नेगेटिव थिंकिंग लेकर आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी पॉजिटिव जो माइंड है वो उसको कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, फेल हो गया तो हो जाने दो, कहीं भूल गया तो भूल जाने दो, समझ रहे, एंजॉय करो उस चीज को आपका, कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया तो हो जाने दो अच्छी बात है, और ये जब आपने कर दिया ना, अब उसको पता चल गया कि ये इंसान ये माइंड अब मेरे कंट्रोल में नहीं आने वाला है, बिलीव करो 5 से 10 मिनट के अंदर इसको शांत हो जाना पड़ेगा और फिर ये क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। सर रेज क्या, तो करने दो ना उसको, उसको जो करना करने दो, अरे उसके बोलने ना बोलने से मैंने जो आज 6-8 महीने की मेहनत की है वो कम थोड़े हो जाएगी, और फेल हो भी गया तो क्या हुआ, अगली बार एग्जाम दूंगा, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, आपने मेहनत किया हुआ है, आपने जो सोचा है वो पक्का होगा, एक लिमिट तक डर रखना अच्छी बात है, लेकिन इसको हावी होने दोगे तो पंगा होगा, स्ट्रेस नहीं आने दो, वो जब भी निगेटिव बात करता है चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, अब जवाब ही मत दो उसको, बिल्कुल शांत रखो अपने माइंड को, उसको शांत होना ही पड़ेगा, और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हर एक अच्छा इंसान माइंड पे कंट्रोल करने का जो तरीका अप्लाई करता है वो यही तरीका है, आप कीजिए, आप इंजॉय कीजिए, मेरी बस एक ही कोशिश है कि आप लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग्स को अपने साथ रखते हुए नेगेटिव थिंकिंग्स को एक लिमिट तक जितना हमें उसकी रिक्वायरमेंट है रखते हुए हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, मंजिल को पाएंगे और सब कुछ अच्छी तरीके से इंजॉय करेंगे। तो आज से मेरे बच्चे कुछ भी होता है चाहे लाइफ में चाहे माइंड से, कोई गलत करता है गलत बोलता है चलो कोई बात नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना ठीक है कोई बात नहीं, इंजॉय करोगे एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा एग्जामिनर बनोगे और मस्ती के मजा लेंगे आप। चलिए आज मैंने जो टॉपिक दिया आप एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कभी ऐसा आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है तो
और आप एंजॉय करो लाइफ को। जितना आप एक्सट्रीम लेवल पे टेंस होके सोचोगे उतना लाइफ खराब करेगा, जितना उसको नॉर्मल छोड़ोगे उतना आपको मजा आएगा। चलो बच्चे, बाय बाय टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग ऑल योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, और आप लाइफ को सक्सेस पाए, यही मेरी खास आपके लिए प्रार्थना या जो भी ख्वाहिश है वो आपके साथ है। बाय बाय बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।